यादव जी का। आइए तो आप सबके बीच हमारे बड़े भैया मिताली लाल यादव जी का आगमन हो चुका है। तो एक जोरदार ताली और हमारे आदरणीय महिपाल रेड्डी एमएलए साहब के लिए भी जोरदार तालियां और खेसारी भैया जी के लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे बीच अक्षरा सिंह जी भी आ गई हैं। हेलो। तो एक जोरदार तालियों से स्वागत हमारे अक्षरा सिंह जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अक्षरा सिंह के लिए जोरदार तालियां। आदरणीय एमएलए महिपाल रेड्डी जी के लिए जोरदार तालियां। खेसारी लाल भैया के लिए जोरदार तालियां। और हमारे संदीप शाह भैया भी हमारे साथ हैं। भैया म्यूजिशियन टीम जो भी है बंद कर दीजिए प्लीज। भैया म्यूजिक बंद कर दीजिए। भैया म्यूजिक बंद कर दीजिए। और एक जोरदार ताली हमारे स्टेज खाली कर दीजिए सब लोग प्लीज। स्टेज खाली कर दीजिए। और हमारे आदरणीय एमएलए महिपाल रेड्डी जी के लिए एक जोरदार तालियां। भैया खेसारी लाल यादव जी के लिए जोरदार तालियां। अक्षरा दी के लिए जोरदार तालियां। और स्टेज आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टेज खाली कर देंगे। हेलो प्लीज आप लोग स्टेज खाली कर देंगे प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग स्टेज खाली कर देंगे। हेलो चाचा। और हमारे सबसे पहले आदरणीय महिपाल रेड्डी चाचा जी के लिए चार लाइनें हैं, तो मैं चाहूंगा इनके लिए कहना कि काम और समाज सेवा जिनकी पहचान है, काम समाज सेवा जिनकी पहचान है, हैदराबाद के जो शान है और लाखों दिलों पे करते हैं ये राज, महिपाल रेड्डी जिनका नाम है। एक जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ए साढ़ू भाई बढ़ाइबा हो साउंड। भैया भैया इधर हैं, इसको बढ़ा दीजिए थोड़ा, ऊपर रखिए ऊपर। हेलो हेलो थोड़ा और बढ़ाइए ना थोड़ा सा। कहाँ गए जा? हेलो हेलो मोनिटर, अगला बार आऊँगा ना तो मोनिटर यहाँ कम से कम चार रख दीजिएगा उसमें। हाँ क्योंकि हमारी आवाज़ फिर पीछे जाके गाना पड़ता है, यहाँ सुनाई देना चाहिए तो अच्छा लगता है। अगली बार से ध्यान रखिएगा, पिछली बार आप ही थे ना, ऐसे नो गबड़ा रहा है। पिछली बार बड़ा गड़बड़ हो गया था, कई गो छत भसने पे आ गया था। अब किर बढ़िया माना, आई लव यू। हाँ सामने वाला खोलिए, सामने वाला, सामने वाला। हाँ उसको बढ़ाइए थोड़ा सा। बताओ तू माइक नहीं खा संभार पाओ तो मेहरारू कैसे संभार बो। चलिए थैंक यू सो मच कि दोबारा इस जगह पे आप सबका प्यार और आशीर्वाद लेने का मौका और सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमारे महिपाल रेड्डी इधर आइए, चाचा जी इधर आइए। ऐसे इंसान अगर 20 को हो जास ना तो खेसरिया सही अरबपति हो जाए। अरबपति मतलब पैसे की अरबपति नहीं, अरबों का प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता है, हमारी संपत्ति आप सब हैं। खेसारी के पास कितना दौलत है, कितना पैसा है ये कोई नहीं देखने जाता है। इनके पास कितनी दौलत है, कितनी शोहरत है ये कोई नहीं देखता, बस ये देखता है कि ये इंसान कितने अच्छे हैं। मैं इसीलिए इनको धन्यवाद बोलता हूँ कि आज हैदराबाद शहर में जहाँ तेलुगु और तमिल बोला जाता है, ओजिगिया चूसता चल रहा है, वहाँ पे उठलाली से रोटी बोर के खा रहे हैं हम लोग,
ये कम नहीं है। हम अपने बिहार यूपी झारखंड को छोड़ के अपने भाषा से बहुत दूर एक ऐसे राज्य में है, एक ऐसे स्टेट में है जहां भोजपुरी को देखा भी नहीं जाता होगा, भोजपुरी ये लोग जानते भी नहीं होंगे। उसके बावजूद भी हमारे भाषा से आज महिपाल रेड्डी चाचा को इतना प्यार है, इतना सम्मान करते हैं कि एक भोजपुरी कलाकार को सिर्फ आप सबके लिए, आपके बेटा को, आपके भाई को, हमारी अक्षरा जी को आप लोग जानते ही हैं। इतनी प्यारी एक्ट्रेस, इतनी प्यारी सिंगर, आज ये कोई पर्चे की मोहताज नहीं है। हम लोगों ने बहुत काम किया है, आगे भी करते रहेंगे, आप सबके प्यार के लिए जो अच्छा होगा हम कोशिश करेंगे करने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि महिपाल चाचा के लिए कितना जोरदार ताली और हल्ला करके कि पूरा तेलंगाना हिल जाए। और एक चीज है, आज से 5-6 दिन बाद इलेक्शन है, अगर जीत गए ना चाचा तो इसी जगह पे फिर से हम और अक्षरा सिंह आएंगे और हिला के चले जाएंगे। तो हल्ला करके बताओ जिताओगे ना। ये मेरे आन बान शान की बात है, खेसरिया ऐसे नहीं आता। पिछली बार आया था, मुझे दुख हुआ था, इसलिए दुख हुआ था कि जगह कम था, हमने के संख्यो तो कम नहीं थे, बहुत सारे बिल्डिंग पे लोग चढ़ गए थे, डर ये लग रहा था बिल्डिंग अब ऐसा नहीं खे ना, खाली सब लोहे से बनल बा, कौनो खाली सीमेंट बालू को हो तो पता चल जे गुजरात वाला भूकंप फिर मार दहलस। तो इसलिए मैंने चाचा से बोला था कि चाचा अगर अगली बार बुलाइएगा तो ग्राउंड इतना बड़ा ले कि वो छोट लग रहा है, ये भी छोटा पड़ रहा है। नेक्स्ट टाइम का चाहता रहो कि एक बार एयरपोर्ट पर प्रोग्राम होखो का। चलिए नेक्स्ट टाइम हम चाचा बोल रहे हैं कि 100 एकड़ में लगाएंगे, 100 एकड़ में नहीं, 100 एकड़ में मत लगाइए, इसी को थोड़ा सा स्टेज को पीछे कर दीजिएगा तब सब लोग आ जाएंगे। रखत अभी तक हम मरदे के बैरिकेड तुरंत देख रहे, मेहरारू बैरिकेड ना तुरेली सौ, आहरे माई आई देख भाई, पहले मरदे लो बैरिकेड तुरंत लाओ भाई, हमारा हम जान तो है, हमारे यूपी बिहार के महिलाओं में भी पावर बहुत है, बस तूर के आगे बढ़ गई सो, ये होता है पावर। तो महिपाल चाचा के लिए एक जोरदार ताली फिर से और हल्ला करके, और इनका निशानी जो है कार छाप है, तो कोशिश करिए जो अगली बार आए तो मैं तो आ ही रहा हूं, अक्षरा जी आई रही हैं, एगो दो गौरी हीरोइन लेके आएंगे, और तीसरी बार आएंगे तो मंदिर बना के जाएंगे यहां से। और मैंने इनसे बोला था, संदीप भाई हमारे टच में रहते हैं, मैंने बोला कि इनको विधायकी उधायकी मत लड़ाइए, इनको एमपी बनाइए और एकदम मंत्रालय में देखना चाहते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों के लिए हर वो सुविधा मिलता रहे, हम बिहारियों के लिए, हम भोजपुरी भाषाओं के लिए, ताकि अभी बताइए विधायक हैं तो हम लोगों के लिए इतना सोचते हैं, अगर जिस दिन मंत्री बन जाएंगे तो पता चला जाए एगो बिहार यूपी के एगो अलग साम्राज्य चलता। तो बस कोशिश करिए, ये आपके प्यार में है तो इस प्यार से कभी वर्जित मत करिएगा, अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैं आया जरूर हूं, पिछली बार आया था तो एक मेरा भाई भी था मेरे साथ, और उस भाई को मिस तो कर रहा हूं मैं, बट आप लोग को चीजें ठीक है, होता है समय के साथ सब कुछ बदलाव होता है, ये इतने मजबूत आदमी हैं कि उस घटना के बाद भी आप सबके मनोरंजन का ख्याल रखते हैं, ये कोई पिता दूसरा नहीं कर सकता है, धरती का कोई पिता नहीं कर सकता है कि उतनी बड़ी घटना बेटा खोने के बावजूद भी इन्होंने आपके मनोरंजन के और आपके दिल की बातों को सुना, ये कोई दूसरा पिता होता तो करता ही नहीं। इस पिता के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। तो लव यू, थैंक यू। मैं चाहता हूं अक्षरा जी कुछ कहिए। अंदर की नमस्कारम हैदराबाद, सब
सब केहू के हाथ जोड़ के प्रणाम करतानी, गोर छू के गोर लागतानी। आज एहिजा इतना बड़ जगह पर इतना खूबसूरत उपलक्ष पर आवे के मौका मिलल है, ओ खातिर महिपाल रेड्डी जी के बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि एक नेक इंसान, एक नेक व्यक्ति हैं, जिनकी दूर दूर तक चर्चाएं हैं। हम जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, पूरे रास्ते इनकी बातें होती रही, बहुत कुछ जानने को मिला सर, और इनकी अच्छाई जितनी बोली जाए उतनी कम है। इसी खूबसूरत मौके पर आज आप लोगों के बीच उपलक्ष, जिस तरीके से हम और खेसारी जी यहाँ पर मौजूद हैं, इतने बड़े कार्यक्रम में आप लोगों के लिए हम लोग बंबई से चलकर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ महिपाल जी की वजह से। सर एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा, और ए बार खाली हल्ला करे से ना चली, जितावे के बाद जिताई जाना, जिताई जाना पक्का, क्या बात है।